ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेल्थ फर्स्ट में। दोस्तों आज हम स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में बात कर रहे हैं हेल्थ फर्स्ट में। डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, हम इंटरनल इंजरी के बारे में बात कर रहे थे कि इंटरनल इंजरी का कैसे पता लगाया जा सकता है, वो जानना चाहूँगा मैं आपसे। हाँ जी हाँ, जैसे कि हम बात कर रहे थे इंटरनल इंजरी ही ज़्यादातर होती हैं, जो बजाय बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं हो तो इंजरी इंटरनली होती है स्पोर्ट्स इंजरी, तो उसको एक चेकअप किया जाता है जिसको हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं या डॉक्टरी चेकअप जिसको आम भाषा में अपन कह सकते हैं जी। उसमें हम ये देखते हैं कि जैसे कोई जॉइंट बहुत ज़्यादा ओपन तो नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा लेक्सिटी तो नहीं हो रही, या फिर एक स्पेसिफिक उसके टेस्ट होते हैं, जैसे कोई गद्दी फटने का अलग टेस्ट है, रस्सी टूट गई है किसी जोड़ की तो उसका अलग टेस्ट है, और स्टेबिलिटी चेक करने का अलग टेस्ट है। तो उससे अपने को एक आइडिया हो जाता है, फिर उसको अगर अपने को लगता है कि कुछ सीवियर इंजरी है या ज़्यादा खतरनाक तरह की इंजरी हुई है इस फॉर्म में, तो उसको अपन कंफर्म करने के लिए MRI का सहारा लेते हैं, तो उससे अपने को कंफर्म हो जाती है कि ये किस ग्रेड की इंजरी है और कितनी सीवियर इंजरी है, उसके इलाज से उसके हिसाब से उसका इलाज आगे किया जाता है। क्योंकि बहुत हल्की चोट है तो उसको एक राइस थेरेपी होती है, रेस्ट होता है, रेस्ट और आइस फोमेंटेशन, कंप्रेशन और एलिवेशन ऑफ द पार्ट, किसी भी जोड़ में या पार्ट ऑफ द लिम्ब में सूजन है तो उसको हम ये थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे जो सूजन है धीरे धीरे कम हो जाती है, और जो हल्की अगर चोट है माइल्ड ग्रेड इंजरी दे रिजॉल्व विद द टाइम जी। और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी है, जैसे पूरी तरह से ब्रेक ही हो गया है लिगामेंट या फिर मेनिस्कस, तो उसका हम दूरबीन के द्वारा आर्थ्रोस्कोपिक उसका ट्रीटमेंट करते हैं जी। डॉक्टर साहब के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अजमेर से ओम प्रकाश जी हैं। ओम प्रकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए। सर जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो मेरा घुटना है ना 3 साल से दर्द कर रहा है सर मेरा जी। ओम प्रकाश जी इलाज लिया था, आप अपनी उम्र बताएंगे ओम प्रकाश जी? 52 साल हो गई मेरी। और क्या कोई चोट लगी है आपको या ये दर्द वैसे ही स्टार्ट हुआ है? नहीं सर ऐसे ही हुआ था। वैसे ही हुआ है तो इस एज में मोस्ट प्रोबेबली आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है घुटने का, इसको कंफर्म अपन कर सकते हैं एक्सरे के द्वारा और चेकअप के द्वारा, क्योंकि मैं जॉइंट का भी ध्यान रखता हूँ, जॉइंट स्पेशलिस्ट भी हूँ, जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए भी काम करता हूँ। तो जैसे आपकी एज और दर्द इतना लंबा हो गया है अभी, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ये क्या होता है कि जो उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है थाई बोन और द लेग बोन की, उसकी कवरिंग धीरे धीरे हटने लग जाती है, किसी भी कारण से डैमेज होने लग जाती है, तो हड्डी से हड्डी का टकराना, उसमें कुछ आवाज़ भी आना स्टार्ट हो जाती है, और धीरे धीरे जोड़ों का टेढ़ापन और पैरों का टेढ़ापन स्टार्ट हो जाता है उसकी वजह से। इसमें आपको विशेष रूप से एक दो कसरत करनी होती है, क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज, जिसको नीचे दबा के घुटने को नीचे दबा के और अपनी थाई मसल्स को टाइट करना होता है, और उकड़ू और नहीं बैठना होता, पालथी नहीं मारनी होती, और स्ट्रेस का कम से कम उपयोग करना होता है, ताकि जो फर्दर डैमेज है जॉइंट का उससे बचा जा सके, और अगर कोई और भी सीवियरिटी होती है उसको डिलेड किया जा सके, ताकि सर्जरी की ज़रूरत अगर पड़ती है आपको तो वो बहुत बाद में पड़े, ना कि तुरंत। और उसके अलावा कुछ एनाल्जेसिक दर्द निवारक दवाएँ भी आपको लेनी होंगी, उससे आप बिल्कुल निजात पा सकते हैं जी। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा, हमने स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में इतनी बातों कर ली, लेकिन स्पोर्ट्स इंजरी से कैसे बचा जा सकता है, और अगर इसकी किसी को हो भी जाती है तो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज वो व्यक्ति कर सकता है, वो जानना चाहूँगा आपसे, बेसिक एक्सरसाइजेज। जी जी ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और ये रिलेटेड भी है, वेरी मच रिलेटेड विद द टॉपिक, क्योंकि स्पोर्ट्स इंजरी जैसे कि अपन देखते हैं स्कूलों में बच्चे स्पोर्ट्स खेलते ही हैं और या फिर कोई कॉम्पिटिटिव जो स्पोर्ट्स होता है उसके लिए भी स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे इस प्रॉपर गाइडेंस की बहुत आवश्यकता है जी। इसमें क्या होता है, बचाव का तरीका एक होता है, अपने सुनते हैं जो भी वो एक्सरसाइज करते हैं वार्म अप करना ज़रूरी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वार्म अप क्या होता है कि बॉडी को प्रिपेयर करता है किसी भी स्पोर्ट्स के लिए या किसी भी एक्टिविटी के लिए, उसमें कुछ हल्की प्रक्रियाएँ या कुछ हल्की एक्सरसाइज करनी होती हैं, ताकि जो लिगामेंट्स हैं और मसल्स हैं उनकी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, तो वो ज़्यादा तैयार होती हैं किसी भी इंजरी को झेलने के लिए या उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जो भी आपको रनिंग करनी है या कोई स्पोर्ट्स में उतरना है, तो हम आमतौर पर देखते ही हैं कि किसी भी गेम के स्टार्ट होने से पहले प्लेयर्स थोड़ा हल्का हल्का रनिंग करते हैं या कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेज करते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है, और बच्चों को स्कूल में सिखाया भी जाना चाहिए, जो अपने फिजिकल थेरेपी फिजिकल टीचर होते हैं जो उनको भी ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि पहले वार्म अप स्टार्ट करें किसी भी एक्टिविटी से पहले या स्पोर्ट्स से पहले, उसके बाद ही वो बच्चे उस पर ज़्यादा जाएँ जी।
तो ये इसका प्रिवेंशन का तरीका है जी। डॉक्टर साहब अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, नयन है अजमेर से। नयन आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। सर मेरे एंकल में ना दर्द रहता है और ये एक बार मुड़ चुका है मतलब जी। कितने दिनों से है आपको ये प्रॉब्लम? बास्केटबॉल खेलता हूँ सर, ये मेरा पैर मुड़ चुका है ये जी। तो ये आपको एक एंकल स्प्रेन, जिसको अपन सुनते ही रहते हैं कि भी एंकल में टखने में मोच आ गई है, ये दोनों तरफ से ज़्यादातर केसेस में बाहर की तरफ ये चोट लगती है। लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स होते हैं तीन पार्ट में, उनमें से किसी में स्ट्रेन आ गया है, स्प्रेन आ गया है। तो जब आपको चोट लगती है जैसा कि मैं बता रहा था, उसको असेस करना होता है कि वो थोड़ी हल्की है या बहुत ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा ग्रेडिंग की है, ज़्यादा सीवियर है। तो उसके लिए अगर हल्की है तो उसको प्रोटेक्शन करना होता है, रेस्ट करना होगा आपको, क्योंकि वही एक्टिविटी अगर बार बार होती रही तो वो हीलिंग नहीं हो पाएगी। उसके लिए हम क्रेप बैंडेज सपोर्ट या फिर एंकल बाइंडर का सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं और उस इंजर्ड पार्ट को एलिवेशन के लिए एडवाइज करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वापस से एक्सरसाइज स्टार्ट करते हुए अपन वापस से अपनी नॉर्मल एक्टिविटी पर आ सकते हैं जी। डॉक्टर साहब अभी के लिए एक और जो दर्शक पहले हमारे साथ जुड़े थे पदम जी, वो एक बार दोबारा हमसे जुड़े हैं और आपसे कुछ और पूछना चाहते हैं। पदम जी अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। वो डॉक्टर साहब वो छोटी बेबी, मैंने ये बताया था वो एक साल की बेबी फीड करती है, वो मेरी जो बिटिया है 26 साल की, उसके जॉइंटों में दर्द रहता है, उसका विटामिन डी टेस्ट कराया था तो डॉक्टर साहब 3 निकला था। अब 2 महीने से वो दवाइयां खा रही है पर अब भी उसके जॉइंटों में दर्द हो जाता है, तो डॉक्टर साहब इसके लिए कोई वो बताओ आप। जी जी इसमें हाँ, अब आपने हाँ क्लियर किया है, ये नॉर्मली विटामिन डी का जो लेवल होता है 20 या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो 3 है तो बहुत ही कम है डेफिनेटली। इसका एक मोटा कारण जो लग रहा है हमें कि जो प्रेगनेंसी होती है उसमें नॉर्मली वैसे देखा गया है कि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी रह सकती है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान क्योंकि बच्चे को भी उसकी विटामिन डी और कैल्शियम की आपूर्ति माँ के ही द्वारा की जाती है, तो जब उसका सप्लीमेंटेशन ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी के दौरान या फिर उसकी एक्स्ट्रा सप्लाई ज़रूरी होती है, वो नहीं कर पाते हैं आमतौर पर तो शिक्षा के अभाव में। तो ये होना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि जो गायनेकोलॉजिकल डॉक्टर हैं उनसे बराबर परामर्श करते रहें और जो जैसा वो एडवाइस करती हैं उसके सप्लीमेंटेशन होना चाहिए, उसकी वजह से आगे चल के इस तरह की दिक्कतें नहीं आती हैं। नहीं तो क्या है कि माता और जो उसका बच्चा है दोनों में ही इस चीज़ की आगे भी कमी रह सकती है और उनके जॉइंट और बोन में ये डिफेक्ट रह सकता है, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि जाँच से भी ये कम आया है तो निश्चित रूप से उनको ये सप्लीमेंटेशन लेना होगा और टाइम के साथ सी मस्ट बी ऑल राइट। जी डॉक्टर साहब बड़ा ही शॉर्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं स्पोर्ट्स इंजरी से बच सकते हैं कुछ भी करके, तो उसके लिए आपसे कुछ जानना चाहूँगा, कुछ टिप्स आप दे सके तो जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे होंगे। जी मेरा संदेश यही है कि जैसा अभी प्रिवेंशन के लिए बताया कि अच्छे से प्रिपेयर होके ही स्पोर्ट्स स्टार्ट किया जाना चाहिए और हर जो एग्रेसिव स्पोर्ट्स है उससे पहले थोड़ी देर का वार्म अप बहुत ही ज़रूरी है और ड्यूरिंग जो भी एक्टिविटी है अपने उसके लिए भी अपने मसल्स और थोड़ा सा अंदाज़ा रखना चाहिए कि इस वजह से अपने गिर सकते हैं, तो वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। अगर इंजरी हो चुकी है तो उसके लिए ऐसा नहीं कि उसको कंटिन्यू करते रहें अपने स्पोर्ट्स को या गेम को, उसको वहीं पे रोक के और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाना आवश्यक है। ऐसा ही जैसे बहुत ज़्यादा खेल लंबे टाइम खेलने के बाद मसल्स फटीग हो गई हैं, ऐसा महसूस होता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो आपको वहीं पे विराम ले लेना चाहिए कि भाई अब लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया, मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि उस दौरान जो मसल्स की प्रोटेक्टिव एक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और वो जॉइंट का प्रोटेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है, तो दैट शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि वापस से अब तरोताजा होके आएंगे अगले दिन तो आप वापस से अच्छा भी खेल सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं उम्मीद करूंगा कि जो टिप्स आपने हमारे जितने भी दर्शकों को दिए हैं वो सारे टिप्सों का हमारे सारे दर्शक बखूबी अच्छे से पालन करेंगे। तो दर्शकों हम आशा करते हैं कि हमारे शो आपको बहुत पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए और दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी बीमारी से संबंधित कोई भी जवाब तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है healthfirst@firstindianews.com। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नई बीमारी के इलाज के साथ, एक बार फिर से होगी आप सभी से मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।